हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज हम आपके लिए पार्ट नंबर दो, जूस का भाग नंबर दो लेके आए हैं, जिसमें आपने पहले भाग में पढ़ा कि किस तरह से जो लेखक है वो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे पिताजी उसे पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे अपनी माँ को मना करके गांव के जमींदार के पास ले जाता है, जिसका नाम दत्ताजी राव है, और किस तरह से उनके कहने पर जो लेखक की दोबारा से पढ़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस पढ़ाई के लिए उनके पिताजी अनेक सारे जो टर्म एंड कंडीशन लगाते हैं कि किस तरह से उनको खेत में काम भी करना है, सुबह स्कूल से पहले भी, स्कूल के बाद भी, यदि खेत में ज़्यादा काम है तो स्कूल से गैर हाजिर भी रहना है। तो इस तरह से लेखक उन सबको मान लेता है और दोबारा से जो स्कूल है, पढ़ाई है, वो शुरू हो जाती है। तो आगे का पाठ है हमारा कि लेखक कक्षा में पहुंच तो जाता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसका मन उदास हो जाता है, क्योंकि वहां पर उससे कम उम्र के जो लड़के हैं वो वहां मिलते हैं, गली के केवल दो ही लड़के हैं, और किस तरह से बच्चे उसे परेशान करते हैं, और आगे चल के किस तरह से वो अपनी पढ़ाई से जो सामंजस्य है वो बिठा पाता है, वो हम आगे पाठ में पढ़ेंगे। देखिए देखिए तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा, यानी जिसको आप साफा कह सकते हैं, कपड़ा जिसे साथ रखता है हमेशा, वो खींच लिया, गमछा खींच लिया, गया अब मेरा गमछा, पूरी कक्षा में इसकी खींचतान होगी और फट जाएगा। मन में मैं यह सोचकर रुआंसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए खुश की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। रनवरे मास्टर कक्षा में आए, टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर, तू कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फैल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। यह चव्हाण का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, यानी शरारत करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कात उस लड़के ने दो बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने के से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवे के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी, यानी बच्चे उसके साथ शरारत कर रहे थे, उसे तंग कर रहे थे। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निर्वाह होगा? नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। गली के दो ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे? मन उदास हो गया। चौथी से पांचवीं कक्षा तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी है, अपना वहाँ कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और दो नाड़ी वाले चड्डी मैलखाऊ रंग के 8 दिन में मंगवा ले। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ।
धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में नीचे बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उद्यम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता, उद्यम यानी शरारत मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, एकाध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एकाध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठीक थोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूँ मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए। मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मुनासिब यानी सही, उपेक्षा तिरस्कार। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी-कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर पुकारने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। सोंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे सम रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता भी उनके पास, रसिकता थी उनके पास, यानी उनकी आवाज़ में मिठास थी। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत भोरकर, तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के स्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एक आध सुना देते। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था, यानी अपना ध्यान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आंखों और कानों से मैं प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्यान, गति, चाल और
रस पीता रहता, यानी पूरी एकाग्रता के साथ कविता को पढ़ता और देखता। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही भाव हाव भाव यति गति और आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव के अनुसार ही गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। क्यारियां पानी से कब की भर गई हैं, इसका ध्यान भी नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उस समय चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए यानी जानवर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था यानी परेशान करता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था, लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरते पसरते पांडरे गाया धरने वरे को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव कर्णी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने छठी सातवीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए, यानी मैंने कुछ नया सीख लिया है। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण वे कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। खुद सौंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपनी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी, लता यानी बेल। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा, यानी शब्दों को जोड़ना। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खिसा में कागज़ और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। जब कंठस्थ हो जाती तो पहुंच देता। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। बहुत बार तो सवेरा होने तक भी का धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता।
वे उसे देखते और शाबाशी देते। और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लयक्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं। अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है। कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता, यानी अपनापन। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर, यानी इस पद्धति पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सौंदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा, यानी सावधान, अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। तो बच्चों, ये था आपका पाठ, अनुवाद किया है मराठी से हिंदी में इसका केशव प्रथम वीर ने। तो पाठ आपने पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टेड पाठ था। पाठ को नाम दिया गया था जूझ, यानी संघर्ष। तो यहाँ इसके 6 क्वेश्चन हैं अभ्यास के, तो ये 6 के 6 क्वेश्चन आपने याद करने हैं, तो इससे आपका पाठ है वो कंप्लीट हो जाएगा। पिछला पाठ भी हमने लिखा नहीं था, केवल अभ्यास के प्रश्न याद किए थे। उसी तरह से आप इस पार्ट नंबर 2 के भी अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो 6 के 6 प्रश्न याद कर लेंगे।